नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि YouTube चैनल पे वॉच टाइम क्यों डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपका YouTube चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और दिन ब दिन आपका वॉच टाइम नीचे जा रहा है, हमेशा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के बदले आपका जो भी वॉच टाइम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आप कैसे इंक्रीज कर पाएंगे और क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अपने यूट्यूब चैनल हम यहाँ पे सर्च किए हैं धमनोज, और हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्यों यूट्यूब चैनल पे वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है और आप उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने YouTube चैनल पे, और जाने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे YouTube स्टूडियो बीटा पर और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं पहले, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे YouTube स्टूडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट अपना YouTube का जो भी स्टूडियो पेज है आप वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि हमारे भी चैनल हैं उसमें भी अभी फ़िलहाल डिक्रीज हो रहे हैं। इस मंथ में हमारे 43% जो भी वॉच टाइम है वह हमारा डिक्रीज हुआ है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि क्यों डिक्रीज होता है और इसका इंक्रीज करने के क्या कारण है और आप किस तरह से आसानी से इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनालिटिक यहाँ पे है, एनालिटिक पे जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे एक ग्राफ सामने आएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्राफ आ चुका है। देखिए ये हमारा है, ये 28 दिन का जो भी है, 28 दिन का मतलब एक मंथ का जो भी हमारा व्यूज है, यहाँ पे व्यूज दिखाई दे रहा है, वॉच टाइम दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है, घट क्यों रहा है, आपका उसका कारण क्या है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे पहले पूरे लाइफ टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे पहले लाइफ टाइम सिलेक्ट करते हैं, और लाइफ टाइम सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्राफ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे धीरे 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 व्यूज बढ़ा है मेरा, और यहाँ तक बढ़ने के बाद इधर धीरे 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 फिर से डाउन हो गया है, और फिर से डाउन होने के बाद डाउन 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 डाउन, इसके बाद फिर यहाँ से हमारा इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे लंबी ग्राफ गई है थोड़ा सा, और इसके बाद फिर से डिक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज, और अब धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बाद बहुत ऊंचा ग्राफ हुआ है, और ऊंचा ग्राफ होने के बाद फिर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा लाइफ टाइम का है, ठीक है। और जो भी यूट्यूब जो काउंटिंग करता है वो पूरे 365 दिन का करता है, ठीक है दोस्तों। वो 365 दिन, लास्ट 365 दिन मतलब आज से जो लास्ट 365 दिन है वो अकाउंट करता है, और उसमें जो भी वॉच टाइम होता है वो आपको दिखाता है, मतलब लास्ट 365 दिन में जो भी वॉच टाइम आया है वो हमें दिखाई देंगे। अगर आपका साल भर से ज़्यादा यूट्यूब चैनल का हो रहा है तो आपका अगर वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है तो आप पूरी ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों डिक्रीज हो रहा है और आप किस तरह से इंक्रीज कर पाएंगे। तो लास्ट 365 दिन जो होता है वही काउंट करता है यूट्यूब, ठीक है। मान लीजिए कि आपका चैनल का 365 दिन से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में अगर 1 साल आता है, ठीक है, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन के बाद अगर आपका वॉच टाइम धीरे धीरे, देखिए यहाँ पे अगर पहले देखिए यहाँ से लेकर के मान लें कि यहाँ तक हमारा 1 साल आता है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हमारा वॉच टाइम जो भी है वो धीरे 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 नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पर दिन बढ़ते जा रहा है और वॉच टाइम नीचे आ रहा है, ठीक है, घटता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से धीरे धीरे जो भी हमारा वॉच टाइम ज़्यादा था वो वहाँ पे धीरे धीरे घटता जा रहा है पर दिन, ठीक है, जैसे एक दिन हमारा आगे बढ़ रहा है वो हमारा पीछे का जो व्यूज है जो भी वॉच टाइम है वो घटता जा रहा है, मतलब वो माइनस होते जा रहा है, और जो पर दिन
पर डे जो हमारा व्यूज और वॉच टाइम यार है अकाउंट होता जा रहा है, ठीक है। तो जो भी ज़्यादा हमारा पहले वॉच टाइम, मान लीजिए कि हमारा 5 घंटा आया था एक दिन में, ठीक है, और आज हमारा 4 घंटा आया है, इसका मतलब कि 5 घंटे और 4 घंटे में कितना डिफरेंस है, 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे का हमारा यहाँ पे लॉस हो रहा है। जैसे कि फिर अगला दिन हमारा आएगा 4 घंटा, और हमारा जो भी पिछले दिन जा रहा है 365 दिन में एक दिन जो घसक रहा हमारे पीछे, वो हमारा वहाँ पे 10 घंटा था, तो हमारे यहाँ पे 4 घंटा वॉच टाइम आ जाया और पहले हमारा 10 घंटा आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 6 घंटा माइनस हो रहा है वॉच टाइम। आपको यहाँ पे रेगुलरली वीडियो डालते रहना है, और डालने के बाद आपका जो भी वॉच टाइम है, जो रिलेटेड मतलब जो पीछे का जो वॉच टाइम है, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर रहना चाहिए। अगर ग्राफ नीचे की ओर गिरता है तो आपका वॉच टाइम 100% वॉच टाइम नीचे आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा धीरे धीरे यहाँ पे वॉच टाइम यहाँ पे नीचे आ रहा है। अगर यहाँ से हमारा मान लीजिए कि यहाँ से लेकर 365 दिन यहाँ होता है, अगर इससे इस ग्राफ को यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इससे कम होता है तो ये हमारा वॉच टाइम नीचे आ जाएगा, हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा हमारा वॉच टाइम। अगर ये ग्राफ इससे ऊंचा रहता है तो हमारा वॉच टाइम बढ़ता हुआ जाएगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्यों वॉच टाइम डिक्रीज होता है, क्यों घटता है और क्यों बढ़ता है। तो यहाँ पे हमने आपको पूरे लाइफ टाइम का दिखाया। यहाँ पे हम 365 दिन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 365 दिन हमने सेलेक्ट कर लिया है। 365 दिन के अंदर में जो भी हमारा ग्राफ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 96 है, 96 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर हमारा आज यहाँ पे 249 हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा बढ़ा हुआ है, जिस दिन हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 96 68 दिखाई दे रहा है, और हमारा यहाँ पे जिस दिन 62 से कम हो गया, उसी दिन हमारा वॉच टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मेंटेन रखना है कि जो भी हमारा जो हमारा पिछले ईयर का जो भी व्यूज है, ठीक है, जो भी 365 दिन का हमारा जो लास्ट वो जाएगा, ठीक है, जो हमारा एक बढ़ेगा तो एक पीछे से घटता हुआ जाएगा, तो उससे ज़्यादा व्यूज होना चाहिए। पर डे आपको धीरे धीरे ग्रोथ करना है, आपको चैनल पे व्यूज लाना है, वीडियोज अपलोड करते रहना है, रेगुलरली वीडियो डालना है, तब जाके आपका चैनल में जो भी वॉच टाइम है वो डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपका भी चैनल में व्यूज और वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ये तो हमारा भी प्रॉब्लम था, जिस समय हमारा भी जब पहले का वॉच टाइम ज़्यादा ज़्यादा था, वो धीरे 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 वॉच टाइम कम होने लगा पर डे का, तो हमारा भी डिक्रीज हुआ था कुछ दिन, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो कल कल आने वाला कल हमारा जो भी 96 मिनट है वो जाने वाला है, और हमारा कल आने वाला जो है वहाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं 169 है। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे 60-70 जो भी है मिनट का यहाँ पे हमारा इजाफा हो रहा है। जिस दिन हमारा यहाँ पे 96 से नीचे आ जाएगा, उसी दिन हमारा फिर से वॉच टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो लाने का। अगर आप भी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लगातार कंटिन्यूसली वीडियो लाते रहिए, ताकि आपका चैनल ग्रोथ हो सके और आप अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइज कर सके। अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल का अभी तक वॉच टाइम कितना हुआ है। यहाँ पे मोनेटाइज पे क्लिक किया, और मोनेटाइज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका वॉच टाइम है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ, या होने में कितना घंटा बाकी है, और कब तक होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्सक्राइबर तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो भी वॉच टाइम है यहाँ पे हमारा 50% करीब करीब हो चुका है, मतलब 2000 हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और 2000 बचा है। अब देखते हैं कि कितना जल्दी हमारा यूट्यूब चैनल 2000 वॉच टाइम कलेक्ट करता है और हम अपने चैनल को मोनेटाइज करवा पाएंगे। तो आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि हमारा वीडियो को लगातार देखते रहिए, और हमारा YouTube चैनल को मोनेटाइज करने में मदद कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक इसी तरह से ट्रस्टेड वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि
बहुत ही अच्छा, हम YouTube से रिलेटेड वीडियो लाने वाले हैं और इस हफ्ते में लगभग हम पूरे 6 से 7 वीडियो लाने वाले हैं, वो भी ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो आप हमारे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए बाय।